छायाणं रमो लोए सौवसा नत्वा जिनेन्द्रं तत्सर्वदोषं सर्वाज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रावेशिकेयं वीरचते स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहले अध्याय का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हमने कल आधा पार्ट अनुजीवी गुणों तक किया था। के बाद में आज जो आधा किया हुआ है उसमें किसी को कुछ डाउट है? हमने जो लिया था यूट्यूब पे जो है उसके मैंने हेडलाइंस डाल दिए हैं, ताकि आप उसको रिवाइज करना चाहते हो या फिर से वो टॉपिक ये करना चाहते हो बहुत तो आप कर सकते हो। वहां पे मैंने टॉपिक के नाम अप्रॉक्सीमेटली जो भी क्वेश्चन है, जैसे अनुजीवी गुण है या फिर उसके अंडर जो भी है, ऐसे शॉर्ट में डाला हुआ है, तो आप उससे देख सकते हो। ओके जी। अभी आगे बढ़े अनुजीवी गुण से। जी जी ओके चलिए। प्रश्न, जीव के अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? गुण कौन से है? तो चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख वीर्य, भवितव्य, सॉरी भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण है। और प्रतिजीवी कौन है? तो प्रतिजीवी अव्याबाधत्व, अवगाह, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व आदि अनंत गुण प्रतिजीवी गुण। देखो गुण जब भी होते हैं ना, जीव में अनंत गुण है, तो उसके वजह से जो कि अनुजीवी भी अनंत है और प्रतिजीवी भी अनंत है। अनंत का भी बहुत सारे भेद होते हैं, तो उसमें से एक अनंत अनुजीवी गुण है और अनंत प्रतिजीवी गुण है। हाँ, तो अनुजीवी गुण को हमने क्या देखा था? अनुजीवी गुण में जो भावात्मक मुझ में उसका वेदन होता है, मुझ में वो कुछ न कुछ परसेंटेज उस गुणों का उघाड़ होता है। बिल्कुल गुण 0% नहीं होते हैं। 0% माने क्या? कुछ भी नहीं होना। मेरे पास गुण है लेकिन उसका वेदन कुछ भी नहीं है, पूरा ढका हुआ ही है। तो ऐसे जो पूरे ढके हुए होते हैं वो प्रतिजीवी है, लेकिन जो बिल्कुल ढके हुए नहीं है, कुछ न कुछ तो पार्ट उसका उगड़ा है, हमें जी वो यूज करते हैं, हमें उसका अनुभव होता है, ये सब अनुजीवी गुण है। तो अनुजीवी गुण में हम देख रहे थे कि कौन कौन से गुण अनुजीवी गुण है, उसका डिटेल वर्णन। तो चेतना, चेतना किसे कहते हैं? तो जो पदार्थों का प्रतिभास करता है, पदार्थों का जो प्रतिभास सम्यक। होता है वो चेतना कहलाती है। तो चेतना के दोन भेद किए, एक दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो दर्शन चेतना में क्या किया हमने? प्रतिभास ही करना है। चेतना का कार्य क्या है? प्रतिभास करना। तो दर्शन चेतना में सामान्य प्रतिभास होता है और ज्ञान चेतना में विशेष प्रतिभास होता है। तो सामान्य हाँ प्रतिभास माने क्या? सामान्य, आपको कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, सभी सामान्य है, किसी और एक को पॉइंट नहीं करना है, सबको जी लेना है। तो सबको जब लोगे तो वहां पे वो महासत्ता आ जाती है। महासत्ता में सब समस्त पदार्थ और उसके अस्तित्व, उसका हैपना आ जाता है। ये ग्रहण जो है वो महासत्ता में होता है, और इसीलिए जो सामान्य माने वो है, इतना ही जब हम प्रतिभाषित करते हैं तो उसे दर्शन चेतना कहा। और फिर मुझे उसमें से जब विशेष चाहिए कुछ, जैसे मैंने जीव को पॉइंट किया तो ये विशेष हुआ, मैंने कुछ न कुछ सभी जो समस्त पदार्थ है उसमें से कुछ एक को चुना, तो ये जो चुनने का काम आता है वो अवांतर सत्ता है, किसी विविक्षित पदार्थों को सत्ता का
उस पूरे इसमें से कुछ एक का मैंने ये किया, उस सत्ता का ग्रहण किया, तो वो अवांतर सत्ता आ गई, और उसका जो प्रतिभास हुआ वो ज्ञान चेतना हो गई। ओके, ये क्लियर हुआ? निराकार है ने क्या सामान्य का प्रतिभास निराकार झलक। देखो अवभास, देखो अभी कभी भी ना हम जो दर्शन में ये करते हैं ना, तो दर्शन चेतना या दर्शन उपयोग जो हम लेते हैं, तो दर्शन उपयोग में सामान्य निराकार झलक होता है। जब भी हम आकार में जाएंगे ना, तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है, उसके कुछ न कुछ डायमेंशंस माने स्पेसिफिकेशंस आ गए ना, तो ये सब भी क्या हो जाता है, ज्ञान चेतना में चला जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, उसके अस्तित्व सिर्फ है पना चाहिए बस, तो वो निराकार है, उसका कोई आकार स्पेसिफिकली पता नहीं चलता है। जैसे हमने मति ज्ञान में देखा ना, मति ज्ञान में भी हमने क्या किया था, पहले अवग्रह में कुछ है का सिर्फ वेदन करते हैं, वो स्पेसिफिक है लेकिन ज्ञान का भेद है वो, लेकिन दर्शन तो उससे पहले वो पूरे इसमें क्या किया, पूरे महासत्ता सभी पदार्थों का सिर्फ है पना, निराकार होता है, उसमें कुछ आकार आदि कुछ भी नहीं होता है। माने जब भी हम आकार की ओर जाएंगे, तो वो ज्ञान चेतना में कन्वर्ट हो चुका होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे ये पेंसिल है, इसके डायमेंशंस की ओर गई तो मैं ये ज्ञान चेतना की, लेकिन मैंने इसको जब भी प्रोसेस किया ना, तो पहले दर्शन चेतना हुई, जिसमें मुझे इस वस्तु का है पना ग्रहण हुआ, और फिर उसके बाद में दर्शन चेतना से मैं ज्ञान चेतना गई, ज्ञान चेतना में भी मति ज्ञान करके श्रुत ज्ञान जाऊंगी, तो फिर वो ये सब डिटेलिंग, ये पिंक कलर का है, इसके लेड पॉइंट है, ये पीछे इरेजर है, ये सब जो है ना, वो श्रुत ज्ञान का विषय में आ जाता है। स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन, जितने ज्यादा वो बढ़ते जाते हैं ना, वो सब श्रुत ज्ञान का विषय आ जाता है। तो दर्शन चेतना सिर्फ निराकार, कुछ भी आकार पकड़ में नहीं आता, लेकिन है पना पकड़ में आता है। क्लियर हुआ? कभी कभी हमारा ऐसा हो जाता है ना, कुछ चीजें पता चल जाती है, लेकिन उसके आगे का कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है ना, वो है जी। तो वैसा, वो एक्चुअली मति ज्ञान में ही पकड़ता है, हम वो चेतना वाला दर्शन पकड़ ही नहीं पाते हैं, लेकिन स्थूलता से आपको पकड़ने के लिए या समझने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। कुछ कुछ चीजें हम करते हैं, लेकिन आगे का सब भूल जाते हैं, या फिर पता ही नहीं रहता है वो क्या है, तो ये सब क्या हो जाता है, माने कुछ कुछ प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाती है, बहुत सारी चीजों का दर्शन चेतना होके खत्म हो जाती है, वो ज्ञान तक जाती ही नहीं है, लेकिन जब ज्ञान होता है तब वो दीदी पीछे दर्शन चेतना से आगे की। अवांतर सत्ता को थोड़ा खुल के समझाइए ना। अवांतर सत्ता माने देखो, महासत्ता में हमने क्या किया, सभी समस्त पदार्थों का एक अस्तित्व ग्रहण किया। ओके, तो हाँ अवांतर में ना, ये जो समस्त पदार्थ है ना, उसमें से एक पदार्थ मैंने लिया और उसकी सत्ता को ग्रहण किया, किसी विविक्षित पदार्थ को, हाँ माने एक फॉर को लिया। हाँ एग्जाम्पल फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ फैमिली फोटोग्राफ है, तो मैंने सिर्फ फोटोग्राफ को ऐसे जस्ट ये किया, और फिर मैंने आपको ढूंढा उसमें से, तो जो आपको ढूंढना है ना, वो अवांतर सत्ता है, मैंने आपको हाँ चुना उसमें से। फैमिली फोटो में सिर्फ अस्तित्व का ये मुझे किया मैंने महासत्ता, लेकिन यहाँ पे फोटोग्राफ का एग्जाम्पल लेना, हाँ समस्त पदार्थ लेना जो भी है, जीव अजीव अधर्म आकाश काल जो भी हमारा भूतगल, हाँ। वो सब और किसी महासत्ता। एक को फोकस किया है। यानी ये व्युच्छित लिखा है जो हाँ इसको है कि विशेष पदार्थ को स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। हाँ ठीक है कोई एक स्पेसिफिक पदार्थ की सत्ता को ग्रहण करना माने अवांतर सत्ता। इसलिए मैंने बोला ना, जब पेंसिल किया तो मैंने एक पदार्थ को कुछ तो निर्णय किया, या फिर जीव लिया, जीव भी लिया ना तो भी बहुत बड़ी है जीव राशि, लेकिन उसमें से भी मैंने वो अवांतर सत्ता में ही आ जाएगा।
कोई एक स्पेसिफिक पदार्थ को मैंने क्या किया, उसका मैंने डिटेलिंग किया, मैंने उसको स्पेसिफिकेशन लेके मैंने उसके बारे में जानना चाहा, तो वो अवांतर सत्ता में आ जाता है। और पूरे सभी पदार्थों का एक अस्तित्व है, बस इतना ही, वो महासत्ता आ जाती है। ओके, इसलिए वो महासत्ता में कुछ आकार कहाँ से डालोगे, निराकार हो जाएगा झलक उसकी, क्योंकि है पना है ना, उसके लिए आकार की क्या जरूरत होती है। और सभी पदार्थों का वो स्पेसिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए उसमें, दर्शन चेतना में, ज्ञान चेतना में आ जाता है। ओके, तो दर्शन चेतना के हमने भेद देखे थे, कितने भेद थे, चार भेद थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन क्या है, जो चक्षु इंद्रिय से जो मुझे ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसे चक्षु दर्शन कहा। ओके, अचक्षु दर्शन माने चक्षु छोड़ दिया तो स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और मन इंद्रिय, ये सबके पहले जो भी ज्ञान होता है उनसे, उसके पहले जो भी सामान्य प्रतिभास होता है वो दर्शन चेतना है। फिर अवधि ज्ञान से पहले जो होता है वो अवधि दर्शन, केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ जो होता है वो केवल दर्शन, ऐसे चार भेद होते हैं। फिर ज्ञान चेतना के कितने भेद है, पांच है, मति, श्रुत, अवधि, मन। केवल ज्ञान तो अभी हम दर्शन और ज्ञान को कंपेयर करेंगे तो मति और श्रुत विषय में चक्षु और अचक्षु दर्शन आ जाएंगे, अवधि में अवधि दर्शन आ जाता, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन आ जाता है। ओके, तो एक्चुअली ये मति ज्ञान चक्षु और चक्षु के साथ में आ जाता है, और श्रुत ज्ञान जो है ना वो मति पूर्वक ही होता है, तो इसीलिए वो लिंक हो जाती है, चक्षु अचक्षु दर्शन से मति ज्ञान, मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान करने के लिए कोई और दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं होती है, वो एक्सटेंशन ऑफ मति ज्ञान ही है, माने मति ज्ञान को और मैंने विशेष जाना वो श्रुत ज्ञान है, लेकिन उसके लिए मैंने विशेषता जानी ना, मैंने कुछ और अलग नहीं जाना है, तो उसकी विशेषता जानने के लिए मुझे दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं पड़ी, उसी विषय को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, ऐसा ले लो। और जो मन पर्याय ज्ञान है, तो हमने मन पर्याय की डेफिनेशन क्या देखी थी, किसी के मन स्थित रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेके जानता है, तो ये जो है ना वो ईहा पूर्वक, ईहा में क्या होता है, मति ज्ञान के जो भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, धारणा में जानने की इच्छा जो होती है, तो ये जो मन पर्याय ज्ञान है ना, तो वो ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है, मुझे कुछ जानने की इच्छा हुई और वो क्या हो गया, आत्मा से ही मुझे पता चल गया कि तो उसके मन में क्या चल रहा है, तो ये ईहा मति ज्ञान पूर्वक मन पर्याय ज्ञान होता है। तो इसीलिए मन पर्याय ज्ञान के लिए भी कोई और दर्शन की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए श्रुत दर्शन या फिर मन पर्याय दर्शन ऐसे भेद नहीं किए गए हैं। ये क्लियर हुआ। फिर मति ज्ञान किसे कहते हैं, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के दो भेद कौन से हैं? सामने व्यवहारिक हाँ, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो मति ज्ञान के दो भेद कहे, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो एक्चुअली में मति ज्ञान परोक्ष ही होता है, यहाँ पे देखिए नीचे फुटनोट में भी लिया है, व्यवहार दृष्टि से जो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा साक्षात होता है वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान कहलाता है, तथा जो मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष या धारणा के बाद होता है उसे परोक्ष मति ज्ञान कहते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने कहा कि हाँ व्यवहार दृष्टि से जब भी हम बोलते हैं कि ये मेरे सामने है, तब हमें क्या ग्रहण करना चाहिए कि ये मति ज्ञान ही है। परोक्ष क्यों कहा उसको, क्योंकि उसको सहायता की जरूरत हुई, उसके आत्मा से ज्ञान नहीं हुआ है,
मैंने आत्मा से जान लिया ऐसा नहीं हुआ, उसमें इंद्रियों माने इंद्रिया और मन दोनों चीजों की सहायता लगी, इसीलिए मति ज्ञान को सर्वथा परोक्ष कहा। पर व्यवहार दृष्टि से जब मेरे सामने कुछ चीजें हो रही है तो मैं उसे कहूंगी ना मैंने प्रत्यक्ष देखा है, तो इस चलाने के लिए उस मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। मैंने साक्षात होता हुआ देखा, ये व्यवहार चलाने के लिए उसी मति ज्ञान को जो मन और इंद्रियों से ज्ञात होता है उसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। ओके, मति ज्ञान के परोक्ष मति ज्ञान, यहाँ पे जो हमने जो परोक्ष मति ज्ञान यहाँ पे लिखा था कि साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष या धारणा के बाद होता है, तो ये जो परोक्ष मति ज्ञान है उसके यहाँ पे भेद कितने कहे हैं? देखो अपेक्षा अलग-अलग है, मति ज्ञान के भेद जब बताते हैं तो एक्चुअली सभी भेद आ जाते हैं, स्मृति प्रत्यय भी तर्क अनुमान, ये जो भेद है ना तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान के सिनोनिम्स माने पर्यायवाची नाम में ये मति स्मृति प्रत्यय भी तर्क और अनुमान अनुमान लिया है, यहाँ पे वही बता रहे हैं, ये भेद अपेक्षा नहीं है, ये टाइप ऑफ मति ज्ञान ही है जो कि स्मृति में क्या हो जाता है, मुझे मेमोरी से याद आया, प्रत्यय भी में मैंने कुछ सामने देखा और मेमोरी से मैंने उसको जोड़ ज्ञान किया, तर्क में क्या किया था मैंने एक स्टेटमेंट बना ली थी कि जहां जहां क्या होता है धुआं धुआं दिखता है वहां वहां अग्नि प्रेजेंट होती है, जहां ये जहां अग्नि प्रेजेंट ठीक है, नहीं प्रत्यय है वहां वहां धुआं भी नहीं है क्या? होता। प्रत्यय कुछ कोई कुछ भी अलंकार सॉरी मुझे आवाज नहीं आई, फिर से पूछेंगे। देखो प्रत्यय भी ज्ञान का अर्थ क्या है? किसी को देख के याद आना। हाँ, प्रत्य भी ज्ञान जोड़ ज्ञान कहलाता है, मैंने मेमोरी से कुछ निकाला और सामने जो पर्सन है उसको देखा, तो ये दोनों में कंपैरेटिव स्टडी की और फिर कहा ये यही है, तो ये जोड़ रूप ज्ञान है जो सामने है और मेरे मेमोरी में है उसमें कंपैरिजन करके बताना, ये प्रत्यपी ज्ञान है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, हाँ तो तर्क और अनुमान, तर्क में एक स्टेटमेंट आ जाता है जो हम अपने ही माने इससे तैयार करते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है और जहां जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं होता है, तो ये मैंने तर्क बना लिया और फिर मैं देखूंगी कि क्या है अग्नि धुआं देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने अनुमान से लगा लिया, मैंने देखा भी नहीं, मैंने प्रत्यक्ष वहां पे जाके कुछ भी पता नहीं किया लेकिन अनुमान से जान लिया। कभी कभी ये भी आता है ना, द्वारपाल नहीं है, जैसे दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है माने अंदर कोई नहीं है, ये हम बहुत बार अनुमान लगा लेते हैं, अरे दरवाजा बंद है माने ऑफिस बंद हो गया होगा, तो बाहर ये से चीज बंद है। हाँ बाहर से दरवाजा अगर बंद है कि किसी शॉप का दरवाजा अगर बाहर से बंद है हमें क्या पता है लोग अंदर में काम कर रहे होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमें ये हमने तर्क बना लिया है जब भी दरवाजा बंद होता है तो दुकान बंद हो चुकी होती है, ये हमने तर्क बना लिया होता है, तो दरवाजा खुला है तो दुकान खुली है, दरवाजा बंद हो गया तो दुकान बंद हो गई, ये हमने तर्क लगाया है, और जब भी दुकान का शटर बंद देखते हैं तो हम अनुमान कर लेते हैं कि आज दुकान बंद हो गई। ओके, जी फिर मति ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद क्या है? अवग्रह, ईया, हवाय, क्या नाम। वाय धारणा। तो अवग्रह में क्या होता है? सामान्य क्या हो जाता है? कुछ है का भास हो जाता है, देखो इंद्रियों और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुआ सामान्य प्रतिभास रूप जो दर्शन हुआ उसके पश्चात अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तु को ग्रहण माने मिले। अवग्रह में हमने पूरे सत्ता नहीं ली, अवान्तर सत्ता ही ली और उसमें से
वो जो एक का है ना उसका हमने ग्रहण किया, और वो भी क्या है, कुछ है जैसे यह मनुष्य है, ये क्या किया हमने, जस्ट डिफाइन किया। तो यह अवग्रह आया। तो जब ये अवग्रह होता है उसके बाद में अवग्रह जाने हुए पदार्थों को विशेष जानने के लिए उत्पन्न हुआ संशय। अरे ये क्या है, माने कुछ है ये पता चला, और फिर ये एक्चुअली में क्या है, ये जब हम ढूंढने जाते हैं, जब वो इच्छा पैदा हो जाती है उसको अधिक जानने की, तो क्या किया मैंने, यह ईहा किया। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, अरे ये मनुष्य है, फिर मैंने क्या किया, जानने की इच्छा, ये कौन सा मनुष्य है, तो ये ठाकुर जी होने चाहिए, मैंने उनके पहराव से या फिर उनकी जो पहनने के वस्त्र है या फिर उनके बाह्य लक्षणों से मैंने उनको क्या किया, जानने की इच्छा की, ठाकुर जी होने चाहिए, ये मैंने क्या किया, ईहा लगाया। फिर मुझे क्या है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, जब मैं अवाय में क्या करती हूँ, ये वही है या वह नहीं है, ये दोनों चीजें से मैं क्या करती हूँ, निश्चय करती हूँ, आइदर हो अच्छा सकते हैं या आइदर नहीं हो सकते हैं। ये जो निश्चय है ये अवाय में आ जाता है। तो ठाकुर जी ही है ये जो मैंने यहाँ में संशय किया था। तो ये संशय माने डाउट मत लेना, हाँ मैंने डाउट किया, डाउट नहीं है, जानने की इच्छा की, अरे ये क्या है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है वो क्या है। तो अवाय में वो क्लियर हो गया तो क्या हो जाता है, संशय दूर हुआ और फिक्स पता चल गया, निर्णय हो गया कि ये ठाकुर जी ही है। लेकिन मैंने ये संशय दूर किया, लेकिन मैंने मेमोरी में उनको नहीं डाला, विस्मरण हो सकता है उस चीज का अवाय में, लेकिन धारणा में मैंने क्या किया, उसको फिक्स मेमोरी में डाला। तो कभी भी मैंने उनको देखा ना, तो मैंने डायरेक्ट से बता दिया ये ठाकुर जी ही है। तो ये प्रोसेस क्लियर हुई, अवग्रह या अवाय धारणा। ओके, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं? व्यक्त और अव्यक्त दो। हाँ, तो व्यक्त और अव्यक्त ये दो भेद हैं। हाँ, इसको रोकेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। क्या अवग्रह आदि ज्ञान दो ही प्रकार के पदार्थों का होता है? तो देखो अभी हमें क्या करना है, पदार्थों को जानना है, तो मति ज्ञान के टाइप देख रहे हैं, तो उसमें व्यक्त और अव्यक्त किया, तो हम देख रहे हैं कौन सा पदार्थ ऐसा है कि जो जिसका सिर्फ अवग्रह होता है, और कौन सा ऐसा है जिसकी प्रोसेस आगे बढ़ती है, अवग्रह या अवाय धारणा। ओके, तो जो भी पदार्थ मुझे अभी सामने दिख रहा है, जैसे मैंने क्या किया, ये पेंसिल का कुछ है जाना, उसके बाद में मुझे इच्छा हुई कि अरे ये सच्ची में क्या है, तो मैंने उसको क्या किया, ये पेंसिल है ये जान लिया, ये निर्णय किया, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। तो ये वक्त जो व्यक्त पदार्थ है उसकी ये पूरी प्रोसेस होती है। तो जब भी व्यक्त पदार्थ जो भी होता है, जो क्या होता है, पांच इंद्रिय और मन में जो भी, जैसे स्पर्श, मैंने हवा का वेदन किया, स्पर्श इंद्रिय से मुझे क्या हो गया, हवा का वेदन लगा और मुझे लगा अरे आज ठंडी बहुत है, तो ये जो ठंडी महसूस हुई, तो ये व्यक्तता आ गई ना, मैंने महसूस किया। तो ये जब भी हम व्यक्त पदार्थों का मति ज्ञान करते हैं, तो ये आगे आगे प्रोसेस चलती रहती है, अवग्रह होता है, ईहा होती है, अवाय होती है, धारणा। धारणा मैं ये कह सकती हूँ कि अरे ये स्पर्श, अरे हवा कैसे चली, ये मैंने क्या किया, डाउट किया कि अरे कहाँ चली, खिड़की खुली रह गई थी या फैन की थी, ये मैं कंफ्यूज थी, अभी तक मुझे पता नहीं था हवा कहाँ से आ रही है, तो फैन की थी या ये की थी, ये निर्णय करना मैंने बाद की प्रोसेस का किया, लेकिन जब भी हुआ तो वो प्राप्त हुआ। पीछे किसी का आवाज चल रहा है तो प्लीज म्यूट कर लेना, फिर जब आपको बोलना है तो अनम्यूट कर लेना। तो ये समझ में आया क्या, जब भी कुछ मुझे ज्ञात होता है तो वो व्यक्त होता है, और ऐसी भी चीजें हैं जो अप्रकट है, जैसे नेत्र और मन के अलावा
जो भी चीते चार इंद्रिय जो है उसका जब भी ज्ञान होने से पहले वो व्यक्त नहीं है अभी भी, तो उनका इन प्रोसेस है, तो उसको हम अवग्रह के रूप में लेते हैं, उसका सिर्फ अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह होता है। मुझे व्यक्त नहीं हुई, लेकिन दूसरे रूम में क्या है, हवा चल रही है, यहाँ की खिड़कियां बंद है, वहां पे क्या हो रही है, हवा चल रही है, तो वो मुझे अभी तक व्यक्त ही नहीं हुई है, तो अव्यक्त का अवग्रह होता है। जब भी वो व्यक्त होगी मुझे, तो फिर यह मैंने एक्सपीरियंस तो करना चाहिए ना, विदाउट एक्सपीरियंस कैसे करूं? और फिर चक्षु मन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि चक्षु इंद्रिय से मैं दूर की चीजों को भी देख पाती हूँ, उसको मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे हमने देखा था, स्पर्श मुझे टच होना चाहिए, इंद्रियों को लगना चाहिए, कर्ण इंद्रिय जो कर्ण शब्द रूप आते हैं वो भी उस ध्वनि में जो पुद्गल वर्गना है वो वहां पे टच होनी चाहिए, तभी मुझे आवाज आ जाता है। सूंघने का भी घ्राण इंद्रिय के ऊपर भी क्या हो जाता है, वो पुद्गल का मुझे टच होना चाहिए तभी मुझे सूंघ जाता है। तो ये सब जो क्या है, तो ये व्यक्त होता है मुझे, लेकिन चक्षु जैसे मुझे देख रहा है, मैंने इस पेंसिल को देखा तो ये परमाणु मुझे टच नहीं किए है, मैं दूर से देख रही हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये कभी भी मुझे प्रकट रहते ही नहीं है। मैंने देख लिया तो प्रकट हो गए ना, मन में कुछ सोच लिया तो प्रकटता आ गई ना। तो इसीलिए मति ज्ञान में जो अप्रगट पदार्थ है उसका सिर्फ व्यंजनावग्रह होता है, माने अवग्रह सिर्फ होता है, तो उसमें सिर्फ अवग्रह है, और जो प्रगट पदार्थ व्यक्त पदार्थ है, प्रगट पदार्थ है, उसका अवग्रह या अवाय और धारणा होता है। और फिर इंद्रियों में लगाओगे तो पांच इंद्रिय और मन, ये सभी में क्या हो जा रहा है, व्यक्त पदार्थों का पूरी प्रोसेस हो सकती है, लेकिन जो अव्यक्त पदार्थ है उसमें नेत्र और मन लगते ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्त ही हो जाता है, उसमें अप्रगटपना और अव्यक्तता नहीं होती है, तो इसीलिए वहां पे सिर्फ चार इंद्रियां ली, तो चार इंद्रियों का क्या हो जाता है, सिर्फ अवग्रह होता है, दैट इज व्यंजनावग्रह। और फिर हमने क्या देखा था, देखो अवग्रह किसे कहते हैं, व्यक्त पदार्थों के अवग्रह को अर्थावग्रह करते कहते हैं, और व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं, अव्यक्त पदार्थ के अवग्रह को व्यंजनावग्रह कहते हैं। तो ये जो भी हम मति ज्ञान के भेद बना रहे हैं, तो मति ज्ञान टॉप में आ जाएगा, फिर व्यंजनावग्रह आ जाएगा, अर्थावग्रह आ जाएगा, ये दो भेद हुए। तो उसमें भी व्यंजनावग्रह अव्यक्त पदार्थ का होता है, अर्थावग्रह व्यक्त पदार्थ का होता है। व्यंजनावग्रह में सिर्फ चार इंद्रिय होती है और अर्थावग्रह में छह इंद्रियां होती है, और व्यंजनावग्रह में सिर्फ अवग्रह होता है, अर्थावग्रह में अवग्रह या अवाय धारणा ये पूरे होती है। ओके, इसका मैंने आपको चार्ट भी भेज दिया था, तो वहां पे जाके आज फिर से एक बार देख लेना। हाँ, और फिर हमने देखा था कि ये जो हाँ, ये अभी जो मैंने बताया ये आगे के दो प्रश्न है। फिर व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ के भेद कितने हैं, तो उसके उन्होंने कितने भेद किए थे, छह छह 12 भेद थे, याद है? तो उसके लिए मैंने कहा था कि एक तत्वार्थ सूत्र का आप सूत्र बाहर करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, बहु बहु विद क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, माने कौन कौन से है, बहु एक, बहुविद एक विध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रुत निश्रुत, अनुक्त उक्त, ध्रुव अध्रुव, नीचे उसके मीनिंग भी बताए है, बहुत माने बहुत, बहुत या अनेक पदार्थ के पदार्थ, एक माने अल्प या एक पदार्थ, बहुविध माने एक ही, माने बहुविध माने बहुत पदार्थ है और उसके बहुत सारे टाइप्स भी है,
जैसे गेहूं है और गेहूं की प्रजाति ले लो, लोकवार ले लो, सिंहौर ले लो, तो वो सभी बहुविध में आ जाएंगे। और माने ये गेहूं, फिर क्या चावल, चावल का भी आप जो बासमती ले लो, ये सभी का जो मिलान जुलान है ना, गेहूं चावल, ये सब जो है वो बहुविध में आ जाएंगे। और एक विध में क्या आ जाएगा, एक ही प्रकार है, जैसे गेहूं लिया तो गेहूं ही आ जाएगा, लेकिन उसके अनेक प्रकार आ जाएंगे, जैसे लोकवान, सीहोर और जो ये आ जाते हैं, पर्वती हाँ सब जो है ना वो एक विध में आ जाएंगे। ओके, एक में है तो एक ही लेना, सिर्फ बासमती ही आएगा, उसके प्रकार नहीं आएंगे। और बहु में क्या आ जाएंगे, गेहूं चावल अभी ये सब आ जाएगा, लेकिन उसके टाइप्स नहीं आएंगे। क्षिप्र माने क्या, तेज गति वाले पदार्थ। अक्षिप्र माने मंद गति वाले पदार्थ। अनिश्रुत माने आंशिक देखने वाले पदार्थ। निश्रुत माने पूर्ण दिखने वाले पदार्थ। अनुक्त माने अवर्णित अकथित पदार्थ। उक्त माने वर्णित कथित पदार्थ। ध्रुव माने स्थिर पदार्थ। अध्रुव माने अस्थिर पदार्थ। ओके, इसमें कुछ डाउट है? ये समझ गए हाँ, इसमें समझ तो ये गए 12 पदार्थों का, और अपने जो अभी हमने व्यक्त और अव्यक्त का गुणाकार करके, ये पूरे मतिज्ञान से, मतिज्ञान के 336 भेद हो जाते हैं। ओके, हाँ, फिर श्रुतज्ञान। श्रुतज्ञान क्या है, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को, माने उसका डिटेलिंग जब भी होता है, मैंने घट शब्द सुना और उससे मैंने घड़ा बना लिया, मैंने उसका जो मेरे ज्ञान में क्या आ जाता है, उसका डिटेलिंग आ जाता है कि घड़ा कैसा है, वो पानी के लिए है, उसका आकार क्या है, तो ये सब जो है, एक शब्द था उससे मैंने पूरा ये ज्ञान क्या की क्या क्या किया, पूरा ज्ञान कर लिया, तो वो डिटेलिंग ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है। ओके, हाँ, फिर दर्शन कब होता है, जीवों को नॉर्मली ज्ञान के पहले दर्शन होता है, लेकिन केवलियों को केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में होता है। ये हमारा अभी मैंने ले लिया था, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, तो मति ज्ञान के पहले चक्षु इंद्रिय संबंधी जो सामान्य प्रतिभास होता है चक्षु दर्शन है। चक्षु के अलावा अन्य इंद्रिय और मन संबंधी जो मति ज्ञान के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है वो अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है वो अवधि दर्शन है। केवल दर्शन जो केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य प्रतिभास होता है वो केवल दर्शन। अभी हमारी उपयोग की पूरी चर्चा यहाँ पे खत्म हो गई। मति, श्रुत, ये पूरे ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय, ये हमने अवधि ज्ञान मन पर्याय और डिटेल ले लिया था। अवधि ज्ञान में हमने क्या लिया था कि एक तो गुण प्रत्यय होता है और एक क्या होता है, भव प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय क्या है, मैं जिस गति में जाती हूँ उसकी एक स्पेशलिटी होती है, तो वहां में वो अवधि ज्ञान प्राप्त ही हो जाता है। तो ऐसे देव और नारकियों को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही होता है। कुछ कुछ सॉरी तीर्थंकर नाम कृति अगर मैंने बांध ली है तो मुझे जन्म से ही अवधि ज्ञान हो ही जाता है। तो ये सब उस भव की फैसिलिटी है, तो मैं उस भव को प्राप्त करूंगी तो ये हो जाएगा। लेकिन ये गुण प्रत्यय क्या है, मैंने क्या किया, मैंने तप किए, मैंने संयम पाला और उसके विशुद्धि प्राप्त कर ली, और उसके प्रभाव से मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। ओके, अवधि ज्ञान के भी भेद होते हैं, देशावधि, सर्वावधि, एक मिनट, अवधि ज्ञान के भी तीन भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो ये देशावधि जो है वो भव प्रत्यय है, परमावधि है जो गुण प्रत्यय है, और परमावधि और सर्वावधि ये नियम से मोक्ष मार्ग पे चलने वाले को ही प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे किसी को भी प्राप्त नहीं होते हैं। ओके, नियम से उसी भव में वो मोक्ष जाएगा ही जिसको परमावधि और सर्वावधि है।
फिर मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान में क्या देखा था हमने, किसी के मन में स्थित रूपी पदार्थों को, फिर हमने उससे क्वेश्चन भी लिया था कि मन पर्याय में क्या है, मैंने आत्मा का मन पर्याय से जान सकती हूँ क्या, तो आत्मा मूर्तिक अमूर्तिक है, तो रूपी पदार्थ मूर्तिक है, उसका ही चेतन कर मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं मन में मेरी आत्मा का चिंतन कर रही हूँ, आत्मा अमूर्तिक होता है, आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अभेद अखंड शुद्ध होता है, ऐसा मैं चिंतन कर रही हूँ, और किसी ने मन पर्याय ज्ञान से मेरे मन में स्थित चीज को जाना, मैं आत्मा का चिंतन कर रही हूँ, तो वो चिंतनीय आत्मा को जान सकता है। हाँ, फिर हमने मन पर ज्ञान के भी दो भेद है, रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति है वो कुछ चिंतित पदार्थों को जान लेता है, लेकिन विपुलमति है वो चिंतित, अचिंतित, अर्ध चिंतित, माने मैंने सिर्फ कुछ भी ऐसे सोचा भी तो उससे मेरे दिमाग में क्या क्या होने वाला है, ये सब आगे का भी उनको समझ में आ जाए। और विपुलमति जैसे हमने अवधि ज्ञान का देखा, वैसे विपुलमति ज्ञान भी जो होता है ना, वो एक बार होने के बाद छूटता नहीं है, अप्रतिपाती है, गिरावट नहीं होती उसके, और नियम से उसी भाव से वो मोक्ष जाता है, विपुल मति मत मनी मन पर्याय ज्ञान से। ओके, तो मन पर्याय ज्ञान का जो, बहुत कम लोगों को मन पर्याय ज्ञान होता है, और वो भी संयम आदि बहुत विशुद्धता से वो रिद्धि प्रकट होने के बाद वो हो जाता है। और अवधि ज्ञान जो है कि वो सभी जीवों को हो सकता है, बहुत ज्यादा ये नहीं, अवधि ज्ञान का विषय परमाणु तक जान सकता है, और मन पर्याय का ज्ञान अवधि ज्ञान के विषय का अनंतावा भाग, इतना सूक्ष्म हो जाता है, माने सूक्ष्मता की लेवल मन पर्याय ज्ञान में ज्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत जनों को जानना है ऐसा नहीं है। अवधि ज्ञान में क्या है, सूक्ष्मता परमाणु तक वो जान लेता है। ये क्लियर हुआ, सभी ज्ञान हो गए हमारे, इसमें किसी को डाउट है? नहीं आगे चलते हैं फिर। अः सम्यक्त्व गुण। फिर सम्यक्त्व गुण में हमने क्या देखा था, सम्यक्त्व गुण क्या है, हमारे श्रद्धा गुण की पर्याय है। यहाँ पे सम्यक माने क्या लेना, सम्यक्त्व माने वो चार चीजें बताती थी, श्रद्धा में आत्मा का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान, और सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान। जब भी मैं क्या करती हूँ, मेरे सात तत्व संबंधी, सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंधी यथार्थ जानकारी हो जाती है, और मुझे पता चल जाता है मैं कौन हूँ और पन कौन पर कौन है, फिर क्या हो जाता है, ये एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व जो मेरे पास, मैंने बना कल्पनात्मक बनाए किए हुए जी सोच है, वो क्या हो जाती है, निकल जाती है, छूट जाती है। ये बाद में क्या हो जाता है, मैं जब भी उसको, माने ये जब छूट जाता है तो मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। सम्यक्त्व की माने क्या प्राप्ति होती है, तो सम्यक जो दर्शन गुण है, जो श्रद्धा गुण है, उसका क्या हो जाता है, श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन हो जाता है, इसीलिए उसको सम्यक्त्व कहते हैं। ओके, या फिर सम्यक दर्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सम्यक दर्शन माने वो दर्शन गुण की पर्याय नहीं लेना, यहाँ पे सम्यक दर्शन माने श्रद्धा गुण की पर्याय है। ओके, हमने तब ये भी देखा था शायद कि दर्शन के भी कितने कितने ये है, दर्शन कितने टाइप का हम दर्शन बोलते हैं, एक तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये दर्शन गुण की पर्याय है, जैन दर्शन भी कहते हैं हम। दर्शन, चेतना, जैन दर्शन, सम्यक दर्शन और देव दर्शन, चार। हाँ यस, तो जैसे अगुरु लोगों हमने कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आता है, जैसे ही ये दर्शन जिस अपेक्षा में जिस टॉपिक चल रहा है उसको आपको लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे ये दर्शन लग रहा है, तो जब भी दर्शन जब ज्ञान के टाइप में लगेगा तो दर्शन गुण ले लेना, जब भी श्रद्धा बिलीव के रूप में लगेगा तो यहाँ पे दर्शन को श्रद्धा गुण की पर्याय ले लेना। ओके,
ये सम्यक दर्शन के तत्वार्थ सूत्र में स्टार्टिंग में ही आया है। पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यहाँ पे जो बताया सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धा करना यही सम्यक दर्शन है। उसके दो प्रकार है, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, ये निसर्ग अधिगमज ये दो प्रकार से होता है। एक तो अपने आप, इसके लिए मैंने पिछली बार एक अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर मैं गड्ढे में गिर गई, एक तो मैं अपने आप बाहर आऊंगी या किसी की मदद लेके आऊंगी, वैसे ही निसर्गज माने मैं अपने आप प्रकट करती हूँ, अधिगमज माने किसी का सहारा लेके मैंने क्या किया, सम्यक दर्शन अच्छा प्राप्त किया। ओके अच्छा अच्छा हाँ, फिर सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। तो सराग माने सम्यक दर्शन तो है, लेकिन राग भाव का सद्भाव अभी होता है क्योंकि वो चारित्र की मलिनता वहां पे प्रेजेंट होती है। और वीतराग सम्यक दर्शन में क्या हो जाता है, पूरा राग द्वेष सभी नष्ट हो जाते हैं, मैं वीतरागी हूँ और मेरा श्रद्धा गुण का भी पर्याय सही चल लेकिन रहा है। सराग सम्यक दर्शन कब तक रहेगा? 12वें गुण स्थान तक कि 10वें तक? अपेक्षाएं लगती है एक्चुअली में, अगर हम चौकड़ी की माने कषाय चौकड़ी की अपेक्षा लगाएंगे तो वहां पे 10वें गुणस्थान के बाद में कोई भी ये कर्म का उदय नहीं रहता है, माने हाँ, सूक्ष्म संप्राय खत्म हाँ 10वें में। सूक्ष्म में सूक्ष्म लोभ होता है, उसके बाद में अपने अनंतानुबंधी उपांत अप्रत्यक्ष मोह क्षीण मोह है। ज्वलन ये सभी चले जाते हैं। हाँ तो वहां तक एक्चुअली सरागता है मैंने कर्मों की अपेक्षा से, उसके बाद तैरागी हो जाते हैं। संयोग केवली अयोग केवली। हाँ अनंतानुबंधि मंजी का देखो, हम चारित्र मोहनी के ना भेद करते हैं, जब चारित्र मोहनी के भेद होते हैं तो वहां पे पहले तो क्रोधमान माया लोभ करते हैं, तो क्रोध में भी क्रोध की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, अलग अलग टाइप का क्रोध होता है, अनंतानुबुद्धि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वंजन। तो ये बताने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने पानी के ऊपर एक रेख मार दी और फिर कितनी देर में वो चली जाएगी, वैसा वाला स्वंजन होता है। फिर मैंने क्या किया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए मैंने, अगर पत्थर पे कोई एकदम ये कर ली, खरोच मार दी एकदम ये किया, तो पत्थर की जाएगी क्या, नहीं, तो वो अनंतानुबंधी वाली है, उतना क्रोध की इंटेंसिटी रहती है और वो उतने काल तक रहती अनंत काल तक है। के लिए एग्जाम्पल देते हैं, अभी हम वो ये पढ़ने अनंत वाले काल हैं। कसा रहता है? वो अनंत हाँ काल नहीं रहता, अनंत अनुबंधी अनंत काल तक कसा नहीं रहता है? नहीं नहीं समाप्त हो जाएगी तो हाँ हम वो तभी तो जाएंगे आगे हाँ मिथ्यात्व गया, अनंत अनुबंधी गई, मिथ्यात्व गया। प्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन। कहाँ चली गई दीदी? वीडियो क्या चालू ठंड किया करना। लग है इसलिए बंद किए बैठे हैं। दीदी स्क्रीन पर आओ। दीदी है नहीं अभी, गए क्या पता नहीं गड़बड़ कुछ हो गया क्या है, आ रही होगी। हो गया क्या पता नहीं। हाँ नहीं, हुआ ना? आप जी दीदी। हाँ हाँ आवाज स्क्रीन। हाँ हाँ तो ये जो अनंतानुबंधी है, एक अपेक्षा से देखोगे तो मैंने अभी का मैंने क्या किया, अभी क्रोध किया, फिर क्या हुआ, उसकी कुछ तो एक स्थिति बनी, ये हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो ये कैसे होता है, तो
परंपरा अपेक्षा से मैंने अभी बांधा, उसके बाद बांधा, उसके बाद बांधा, उसके बाद बांधा, तो वो अभी तक हम अनादि से अभी तक आए हुए हैं, क्रोध कषाय नष्ट कहाँ हुई है, तो अनादि से चल रही है, क्योंकि हमने क्या है विपरीत मान्यता करके बैठे हैं। तो हम जब वो जान जाएंगे और वो क्रोध स्क्रीन क्यों पर आओ हमारा ना, स्क्रीन पर आओ ना। हाँ, तो जब भी वो क्रोध क्यों आता है ये हम देखेंगे ना, तो क्या हो जाता है, फिर क्लियर हो जाता है हमें कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं, हमारी भूलें कहाँ है, वो हमें पता चल जाएंगी। तो अनंतानुबंधी ये चारित्र मोह के क्रोधवान माया लोग में से एक कैटेगरी है, आप इतना ही अभी ले लेना, क्योंकि हम दूसरे अध्याय में वही डिटेलली पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, कौन से इंटेंसिटी की है, क्या होता है उसका, उससे हम कितने स्थिति बांधते हैं, कैसा फल देता है वो, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ओके दीदी आगे। वो चारित्र के 13 भेद होते हैं, हाँ, एक अपेक्षा से चारित्र के 13 भेद होते हैं। सत्वार सूत्र में 5 हैं। हाँ, वो वही ना, उस अपेक्षाएं रहती है, किसी किसी का आ, आ, कुछ कुछ खोल देते हैं, कुछ कुछ अभेद लेके बोलते हैं, जैसे पिछली बार मैंने क्या कहा था, प्राण के 4 ही भेद कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे क्या आ जाता है, 10 प्राण के भेद आ जाते हैं। तो ये कुछ कुछ खोल देना और कुछ कुछ कैटेगरी में रखना, ऐसे अपेक्षाएं लगती है। तो चारित्र के बहुत प्रकार का चारित्र हम लेते हैं। ओके, आगे आएगा आपको। तो आप इतना ही लेना, अभेद विवक्षा से स्थूल से बताने के लिए मैं बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण करके आपको बहुत ज्यादा नाम गिनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आपको होगी ये बहुत बड़ा है, जाने दो, रहने दो। तो इससे बचने के लिए संक्षेप में कुछ कुछ हाईलाइट करके आपको उसके भेद बता देते हैं, 5 ही टाइप का चारित्र है। फिर उसको और आपकी रुचि बढ़ जाएगी तो आप खुद से ही बोलोगे, अरे इसका डीप क्या है, इसके आगे क्या है। जैसे अनंतानुबंधी कषाय में हमने सिर्फ दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय देखा, लेकिन फिर क्रोधमान माया लोग अनंतानुबंधी ये क्या है, ये आपकी इच्छा हो जाती है जानने की, तब उसके भेद आगे 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 आ जाते हैं। ओके, देखो सम्यक्त्व गुण में क्या देखा, जिस गुण के प्रकट होने पर अपने शुद्ध आत्मा का प्रतिभास होता है वह सम्यक्त्व गुण है। मैं अपने आत्मा को जानू, माने मैंने स्व आत्मा का अनुभव किया, वो सम्यक्त्व गुण है। ओके, ये जब कब कब होता है, तो ये चतुर्थ गुण स्थान से आगे हो जाता है, मैंने सम्यक्त्व गुण प्रकट हुआ, वो चतुर्थ गुण स्थान से आगे हो जाता है। लेकिन अब भी नहीं है क्या आत्मा का अनुभव, क्योंकि हमने अनुजीवी की बात की, तो मुझे आत्मा का अनुभव होता रहता है, लेकिन अभी वो मिथ्या रूप है, मैंने जैसा है वैसा न जानकर कुछ कल्पित मान के मैंने अनुभव किया है, जो कि सम्यक्त्व गुण है, जो कि अनुजीवी गुण है, तो मुझे क्या हो जाता है, उसका वेदन होता ही रहता है। ओके, पर्यायों में विपरीतता है मेरे, लेकिन प्रगटता तो है। ओके, क्या विपरीतता फिर हमने चारित्र देखा था, तो चारित्र में क्या था, चारित्र किसे कहते हैं, बाह्य और अभ्यंतर क्रिया के निरोध से होने वाली आत्मा की विशेषता विशेष शुद्धि। चारित्र कहते हैं। तो मेरे अभ्यंतर और बाह्य, बाह्य माने जो भी मैंने बाहर में क्रिया करती हूँ वो, और अभ्यंतर माने क्या लिया मैंने, अभ्यंतर माने अंदर के मेरे परिणाम, वो अभ्यंतर लिया। यहाँ पे आपको अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध ले जाने की प्रक्रिया में उन्होंने चारित्र में पहले बाह्य में जो अशुभ क्रिया होती है, 5 पाप आदि, उसकी निवृत्ति को बाह्य क्रिया कहा। अभ्यंतर क्रिया में हमारे जो परिणाम रहते हैं, जो कषाय रहती है वो, और जो योग रहता है उसे अभ्यंतर क्रिया में लिया। तो हमने योग को देखा था, योग क्या है, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना। मैं जब भी क्या करती हूँ, कुछ भी क्रिया करती हूँ, मन से करती हूँ, वचन से करती हूँ, काया से करती हूँ, ये माध्यम है, इसके थ्रू मैं कुछ न कुछ करती हूँ,
तब मेरे आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता रहता है। तो ये योग गुण है। जब ये मन वचन काय की क्रिया स्टॉप हो जाती है तो ये योगों का चंचलपना भी स्टॉप हो जाता है। ओके कषाय, कषाय में क्या लिया था? कषाय क्रोध मान माया लोभ माया लोग लोभ कि जो विभाव परिणाम आत्मा करता है, राग द्वेष क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो ये राग द्वेष जब भी जीव करता है तो वो कषाय करता है। जी आत्मा को कसने को कषाय कहते हैं। मैंने ये परिणाम किए और मैंने खुद को ही तकलीफ दी तो ये क्या हो गया? कषाय हुआ। अच्छा चारित्र के कितने भेद है? यहाँ पे चारित्र के चार भेद कहे हैं। स्वरूपाचरण चरित्र, देश चरित्र, सकल चरित्र, यथाक्या चरित्र। यहाँ पे अपेक्षा कौन सी अपेक्षा है? यहाँ पे कुछ प्रगटता नहीं होने की अपेक्षा है। जैसे मुझे पहले क्या था? चारित्र नहीं था, माने अचारित्र था। तो मैं क्या अभी था जाना ही नहीं, तो मेरे पास औचारित्र है। मैंने स्वरूप को जान लिया, सम्यक्त्व कर लिया, तो उसको सम्यक्त्व चरण चारित्र कहा, उसे ही स्वरूपा चरण चारित्र कहा। फिर देश चारित्र में क्या हुआ? मुझे क्या है, त्याग करने के भाव तो है लेकिन वो जो अणुव्रत वाले ही है, माने क्या आंशिक त्याग के भाव है, पूर्ण त्याग करने के भाव अभी तक नहीं है, तो वो देश चारित्र कहा। फिर सकल चारित्र मुझे पूर्ण त्याग करने के भाव क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। तो स्वंजलन का जहाँ पे उदय हो जाता है वहां महाचारित्र महाव्रत आदि में क्या करती हूँ? ग्रहण करती हूँ, तो वो सकल चारित्र का होता है। और फिर क्या है? यथा क्या चारित्र। ओके तो स्वंजलन के रूप में ये स्टेप है। अनंतानुबंधी गई स्वरूपाचरण चरित्र, और प्रत्याख्यान गया देश चरित्र, प्रत्याख्यान गया सकल चरित्र, और फिर स्वंजलन गया यथाख्या चरित्र प्रकट हो जाता है। ओके तो जैसे जैसे कषाय चुकड़ी का अभाव हो जाता है वैसे वैसे विशुद्धि बढ़ती है, चारित्र में स्थिरता बढ़ती है, आत्मा में रमण करने की स्थिरता ज्यादा ज्यादा होती है। तो वहां पे वैसे वैसे चारित्र की अपेक्षा से ये भेद किए हैं। यहाँ पे परिणामों में जो स्वरूप स्थिरता है उससे यहाँ पे भेद किए हुए हैं। ओके ये तो हमने अभी देखा शुद्धानुभव। जब भी आत्मा का शुद्ध आत्मा का अनुभव जो होता है तो वो क्या है? स्वरूपाचरण चरित्र है। स्वरूपाचरण चारित्र के व्रतों, अणुव्रत लिया तो देश चरित्र, महाव्रत लिया सकल चरित्र, और कषायों का सर्वथा अभाव कर दिया, मैंने कषाय को मैंने छोड़ दिया, तो वो यथाकार चरित्र वो कब हो जाता है? तो जो 11वें 12वें 13वें 14वें और सिद्ध भगवान, वहां पे क्या हो जाता है? यथाकार चरित्र प्रकट हो जाता है। ओके क्लियर है इतना? जी फिर सुख किसे कहते हैं? तो सुख में हमने क्या कहा था? अल्लाद स्वरूप आत्मा का जो परिणाम है, जो अच्छा लगना जो है जीव का अनुजीवी गुण का कार्य, तो वो क्या है? परिणाम विशेष जो मुझे अच्छा लगता है तो वो सुख है। वीर्य क्या है? आत्मा की एक शक्ति होती है, हाँ देती है मुझे एनर्जी चाहिए ना। जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं खाती हूँ, भोजन करती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, तो ये आत्मा में जो परिणमन होता रहता है सदा, तो उसके लिए भी कोई ना कोई तो एनर्जी चाहिए ना। तो वो परिणमन करने के लिए जो एनर्जी प्रदान करता है वो वीर्य गुण है। जो वीर्य गुण का, और वीर्य गुण का जब भी परिणमन होता है उसे ही हम पुरुषार्थ करते हैं। तो वीर्य गुण के पर्याय को पुरुषार्थ कहा। तो मैंने क्या पुरुषार्थ किया? लौकिक में हम जब भी क्या करते हैं, अरे मैंने पुरुषार्थ करके बहुत अभ्यास किया और अच्छे मार्क्स लाए, तो ये अलग पुरुषार्थ है। इसको जिनवाणी में नहीं, इसका एंगल पूरा अलग है। और यहाँ पे वीर्य गुण का जब बात आती है तो वीर्य गुण माने क्या है? बल देने की शक्ति, मुझ में बल है
वीर्य गुण में बल होता है, शक्ति होती है, तो वो परिणमन करने में क्या करता है, अपनी शक्ति प्रदान करता है। कभी भी लेना, जीव पूरा जो द्रव्य है वो अखंड होता है, तो अखंड द्रव्य का कार्य अन्य अन्य गुण करते रहते हैं सबके साथ में। जैसे अस्तित्व गुण का कार्य क्या है, टिकाए रखना, तो टिकाए वो उसी गुण को रहता है का पूरे द्रव्य को टिकाए रखता है। तो एक गुण पूरे द्रव्य में भरा है ना, सभी भागों में, सभी प्रदेशों में होता है, सभी अवस्था में पाया जाता है, तो वो द्रव्य को रिप्रेजेंट करता है। वो गुण तो कार्य करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना कि यहाँ है अलग है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। तो पूरा द्रव्य को रिप्रेजेंट करता है, तो शक्ति देने का कार्य वीर्य करता है। और ये वीर्य मैंने कल ही कहा था कि ये छहों द्रव्यों में होता है, क्योंकि हर एक द्रव्य परिणमन करता है, तो हर एक द्रव्य को परिणमन करने के लिए जो शक्ति चाहिए होती है, तो वो वीर्य गुण करता है, और वीर्य गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, वो परिणमन की शक्ति देता है। ओके, क्लियर है? ओके, भव्यत्व गुण, अभव्यत्व गुण, जीवत्व गुण, हमने देखा था जीव के पारिणामिक भाव होता है, जीव का एक स्वभाव होता है जो कि अनादि से। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा दिया था, स्वभाव के लिए कोई तर्क नहीं होता है, स्वभाव अतर्क गोचर। माने क्या है, स्वभाव के लिए ये ऐसा क्यों है, उसके लिए कोई तर्क नहीं है, वो ऐसा ही है, उसका स्वभाव ही वैसा है। वैसा जीव है ना, जीव जो है वो उसके पारिणामिक भाव रहता है, वो अतर्क गोचर है, उसका स्वभाव ही वैसा है। तो ये भव्य अभव्य होना उसका स्वभाव होता है, उसके लिए कोई भी अपेक्षा नहीं है कि इसने बहुत पाप किया इसलिए भव्य अभव्य हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका एक स्वभाव है। तो ये क्या है, भव्यत्व अभव्यत्व, भव्यत्व अभव्यत्व गुणों की पर्याय होती है, उसका परिपाक सिद्ध अवस्था में होता है, इसीलिए वहां पे भव्य अभव्य सिद्धों में लागू नहीं होता है, उसका परिपाक है, उसका फल है। ओके, तो भव्यत्व में क्या है, भव्यत्व जिस शक्ति के कारण जीव में सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता होती है, और अभव्यत्व में सम्यक्त्व प्राप्त कर ही नहीं सकता है। भव्य की भी हमने तीन भेद किए थे, याद है क्या किसी को? हाँ, गर्भधारणा नहीं होती। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो तो एग्जाम्पल देते हैं ना, तो सभी एकदम अच्छे से याद रहता है। तो एक क्या, देखो अभव्य है वो बांझ स्त्री है, उसका खुद गर्भधारणा की योग्यता ही नहीं है उसमें। फिर निकट भव्य जो क्या है, अभी शादी हुई है और गर्भवती होने की लायकात तो उसमें है और होने भी वाली, वो भव्य हो गया, निकट भव्य हो गया। दूर भव्य क्या है, शादी तो हो गई है लेकिन 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उसके बाद में गर्भधारणा हो सकती है, तो ये दूर भव्य हो गया। और दूरानुदर्भव्य क्या है, विधवा है, जो कि योग्यता तो है लेकिन कभी भी गर्भधारणा हो ही नहीं सकती है, तो दूरभव्य को भी अभव्य संभव्य कहते हैं। अभव्य संभव। हाँ, वो अभव्य है क्योंकि उसको वो सम्यक तो प्राप्त ही नहीं करे, उसको वैसे बाहर से सामग्री ही नहीं मिलेगी। देखो ना, विधवा को ऐसे सामग्री ही नहीं मिलेगी ताकि गर्भधारणा हो ना, विधवा हो चुकी है। ओके, ओके। फिर जीवत्व, जीवत्व में हमने दो भेद किए थे कि एक जो है शुद्ध जीवत्व और दूसरा है अशुद्ध जीवत्व। जो जिस शक्ति के कारण आत्मा प्राण धारण करता है उसे जीवत्व कहा, तो ये जो प्राण धारणा है उसमें जब चैतन्य प्राण जब हम लेते हैं तो वो शुद्ध जीवत्व आ जाता है, और जो 10 प्रकार के व्यवहारिक प्राण लेते हैं तो वो अशुद्ध जीवत्व आ जाता है। तो अशुद्ध जीवत्व में जो प्राण है वो किसी न किसी संयोग से जीव की अवस्था होती है तब होता है, और वियोग भी हो जाता है, उसे प्राण कहा। ये व्यवहार प्राण की बात चल रही है यहाँ पे, वो निश्चय प्राण चैतन्य प्राण नहीं लेना। जब भी संयोग और वियोग लेते हैं तो पर्याय जनिक बात है, त्रिकाल की बात नहीं चल रही है। त्रिकाल ही हमारा चैतन्य प्राण सदा ही जीता है, जीता ही रहेगा, उसका मरण नहीं होता है। लेकिन ये व्यवहारिक जो प्राण है वो क्या है, जीव जब उसके संयोग से आता है तो जीता है, और जब वियोग हो जाता है तो मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ये प्राण है, प्राण के हमने चार मुख्य भेद
प्राण के दो भेद किए, द्रव्य प्राण भाव प्राण। द्रव्य प्राण जो है वो पुद्गल की अवस्था है, भाव प्राण है जीव की अवस्था है। द्रव्य प्राण के जो भेद किए मुख्यतः से चार किए, इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास। फिर हमने उसके सब डिवीजन किया, अब और जूम इन किया तो क्या पता चला, पांच इंद्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो ये 10 प्राण हो गए। तो द्रव्य में लगाएंगे तो पुद्गल की अवस्था आ जाएगी, भाव में लगाएंगे तो जीव की अवस्था आ जाएगी। ओके ये क्लियर है। फिर हमने हर एक जीव प्राण देखे थे, एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। उसमें भी हमने अपर्याप्त अवस्था में देखा था, जब भी जीव अभी तक पर्याप्त नहीं हुआ है, जीव में क्या हुआ है वो शक्ति अभी तक पाई नहीं गई है। पहले क्या हो जाता है, जीव विग्रह गति से जाता है तो वहां पे शक्ति प्राप्त कर लेता है और फिर आहार वर्गना को ग्रहण करके शरीर बनता है, आगे की प्रोसेस बनती है। तो वो जो शक्ति है वो पर्याप्ति होती है। उसमें हमने, मैंने शॉर्टकट में बताया था, ASI SBM, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो उसमें से जब भी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो वो पर्याप्त हो गया। उससे पहले जो है उसमें क्या हो जाता है, जीव अपर्याप्त दशा में रहता है। और अपर्याप्त दशा में प्राण का एक नियम होता है, वहां पे मन बल, वचन बल और श्वासोच्छ्वास होता ही नहीं है। ओके हाँ, ये तो ऊपर का ही है। भाव इंद्रिय माने क्या, जो जीव की इंद्रिय है, जीव में रसना स्पर्श रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, इसका क्षय क्षम लगाना वो भाव इंद्रिय हो गए। भाव प्राण भाव बल ये जो है वो क्षय क्षम है, जीव की अवस्था है। ओके और फिर हमने क्या देखा था, वैभाविक गुण। वैभाविक गुण जीव और पुद्गलों में ही होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं होता है। विभाव रूप होने की जीव की ही ताकत होती है, इसीलिए वो वैभाविक प्रण करता है, पुरुषार्थ करते हैं, वो फिर से क्या हो जाता है, स्वाभाविक परिणमन में हो जाता है, मोक्ष अवस्था में स्वभाव रूप परिणमन हो जाता है। अभी प्रतिजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण में क्या हमने डेफिनेशन देखी थी, जीव जो है उसके कुछ गुण ऐसे हैं जो संसार दशा में 0% होते हैं, और जब भी सिद्ध अवस्था पूरी क्या हो जाता है, पूरा उसका अच्छा परिणमन हो जाता है, सभी कषाय योग सभी जो कि भाई उसके विभाव रूप परिणमन होने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो वो स्वभाव रूप परिणमन जब भी करता है तो ये प्रतिजीवी गुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो प्रतिजीवी गुण है उसको हमने एक-एक कर्म, जो अघाती कर्म है उसके अभाव में लगाया था। जैसे वेदनीय कर्म का जब भी अभाव हो जाता है तो अव्याबाधत्व प्रकट हो जाता है, आयु कर्म का अभाव हो जाता है तो अवगाणत्व प्रकट हो जाता है, गोत्र कर्म का अभाव हो जाता है तो अगुरु लघुत्व प्रकट हो जाता है, और सूक्ष्मत्व प्रकट होता है नाम कर्म के अभाव में। ओके तो ये देखना, ये ऐसा नहीं होता है कि ये चारों जो कर्म है कि एक 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 गए, यहाँ पे एक ही साथ ये सभी कर्म चले जाते हैं, इसीलिए सिद्ध अवस्था में ही उनका परिणमन सम्यक रूप से हो जाए। क्लियर हुआ, कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। पहले हमने अनुजीव गुण जो देखे थे उसमें सीक्वेंस थी, कौन सी सीक्वेंस थी, श्रद्धा गुण पहले ही सम्यक हो गई, उसका परिणमन अच्छे से हो गया। फिर ज्ञान, 13वें गुण स्थान में ज्ञान का परिणमन सम्यक हो गया। लेकिन चारित्र का कब हुआ, तो चारित्र का हमने यथाक्य चारित्र प्रकट होने के बाद चारित्र का परिणमन सही हुआ ऐसा कहा। लेकिन ये जो गुण है ना वो एक साथ ही जाते हैं, अघाती कर्म एक साथ ही जाते हैं और फिर ये प्रतिजीवी गुण तभी प्रकट हो जाते हैं। तो पहले क्या थे, पहले विभाव रूप थे, विभाव रूप माने क्या, 0% अभावात्मक ही थे, क्योंकि उसका कहीं वेदन ही नहीं था, अगुरु लघुत्व प्रतिजीव मेरे में है ही नहीं था, क्योंकि मैं उच्चता और नीचता
जो मेरा परिणाम होते हैं वे वो होते ही थे, मुझ में स्थूलता थी ही थी। आपने किसी ने पूछा था ना, इंद्रियों के विषय रूप स्थूलता नाम कर्म के अभाव में होता है, उसमें मैंने देखा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आप ऐसा भी लगा सकते हो कि जैसे मैंने किसी चीज को देख लिया, तो ये जो देखना होता है, इंद्रियों का विषय होता है, या छूना होता है, इंद्रियों के विषय में जो भी आता है वो स्थूल पदार्थ होते हैं, वो सूक्ष्म पदार्थ नहीं होते हैं। तो जब भी खत्म हो जाता है तो उसका अभाव हो जाता है, तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाता है। जो भी हम पकड़ते हैं वो स्थूलता को ही पकड़ते हैं। जब नाम कर्म खत्म हो जाता है तो हम सूक्ष्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ओके, इसी से हमारा पहला अध्याय पूरा खत्म हो गया है। ओके, अभी द्वितीय अध्याय में हम कर्म का स्वरूप देखने वाले हैं। इससे पहले ये जान लेना, कर्म इज जस्ट थर्मामीटर, हमें बताता है कि तू कौन कितने टेम्परेचर पे है। ओके, तो ये हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा अध्याय, पहले अध्याय में किसी को कुछ प्रश्न है तो आप कभी भी, जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, नोट्स देख रहे हो, कुछ भी ऐसा लगा कि अरे क्या था ये नहीं पता चल रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर हम वैसे बात करके आपका क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या हो जाता है, अभी हमारा रिवीजन भी हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जब पिछला निकालो तो अरे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछना जरूर, लेकिन आगे का हम स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग जो जा रहे हैं तो उनका फिर से वही वही, किसी 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 को क्या लगता है अरे फिर से वही वही ले रहे हैं दीदी। तो अभी हम दूसरा अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आपके लिए कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, जी ठीक है, चलो अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर किसी को कुछ कहना है। निज निधि निज में निज में प्रकार है इसके सिद्धि लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है वंदनो सतबार है। का उत्सर्ग करेंगे।